आपको पहले ही बताया, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही संपदा है। तो हेल्थ के बारे हम लोग का कंट्री में, इंडिया में, जगह जगह में हेल्थ का केयर लिया जाता है। वर्ल्ड में भी WHO फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में 73 ईयर्स हो गया, ये स्थापित हुआ था 7 अप्रैल। ये यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का एक यूनिट है जो हेल्थ का ऊपर ध्यान देके विश्व हेल्थ संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संस्थान का काम कर रहा है। फुल फॉर्म बता रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको इसका बारे में बताएंगे आज थोड़ा। तो इट्स ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र, जितना राष्ट्र है उसका एक यूनिट करके, यूनिटी करके संयुक्त किया गया। तो उस दुनिया का हर देश का अच्छा ध्यान दे करके सबका कल्याण कर काम करते रहता है यूनाइटेड नेशंस। उसका एक संस्था है शास्त्र संस्था, जिसे शास्त्र संस्था। तो इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इसके विशेष रूप से देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, आंतर्जातिक, इंटरनेशनल आंतर्जातिक पब्लिक हेल्थ, लोगों का हेल्थ का ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं। इसलिए कोई महामारी जैसे अभी जैसे कोरोना हुआ, उसका ऊपर भी यही संस्था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। आपका हेल्थ का ऊपर उन्होंने ध्यान देते हैं। पहले तो ये लोग शुरुआत किए थे पॉक्स, उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा महामारी जब आया, एक एक करके ख़त्म करते गए, कंट्रोल करके हर वर्ल्ड में, हर देश में, वर्ल्ड का हर देश में एक करते गए। इसका बारे में बोलता है, ये एस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, ये 73 साल हो चुका है। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड, इसका सबसे हेड ऑफिस है, जहाँ से कंट्रोल होता है, कंट्रोलिंग ऑफिस, दुनिया का कंट्रोलिंग ऑफिस इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और बजट इसका 2020 या 2021 में बजट सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य लगेगा, इतना खर्चा करते हैं दुनिया भर में स्वास्थ्य का ऊपर ध्यान देते हुए। 7.96 बिलियन डॉलर इसका बजट है 2020-21 में, इतना खर्चा कर रहा है सबके ऊपर पूरा वर्ल्ड में। हेड ऑफ द हु, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड अभी जो है बने हुए हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रियस, डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रियस। ये एक फास्ट यूनिक चीज है, इस पोस्ट में जितना भी आदमी रहे, अफ्रीकन जो फास्ट अफ्रीकन रीजन का टू हेड द वर्ल्ड्स लीडिंग पब्लिक हेल्थ एजेंसी में, इस हेल्थ माने स्वास्थ्य विभाग में, इस संस्था में, इस पोस्ट में पहली अफ्रीकन एरिया का आदमी है इन्होंने। अच्छा, इनका फ्रॉम हिज डेस्क, उनका अपना तरफ से जो बताया गया दुनिया भर इंसानों को, हर मनुष्य को, इन्होंने जो स्पीच दिए हैं, बताए हैं आप लोग के बारे में, आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य को कैसे देखेंगे, उनका लैंग्वेज, उनका अपना भाषा में मैं पहले बता दें तो उसको हिंदी में बताऊंगा। आवर विजन इज नॉट हेल्थ फॉर सम, हम लोग का ये उद्देश्य खाली हेल्थ का ऊपर ही नहीं है। इट्स नॉट हेल्थ फॉर मोस्ट,
सब कुछ स्वास्थ्य का लिए है, खाली यही इट्स हेल्थ फॉर ऑल, सबका स्वास्थ्य, सबका हेल्थ के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। रिच एंड पुअर, गरीब हो या धनी हो, एबल एंड डिसेबल, यानी कि जो समर्थ आदमी है या असमर्थ आदमी है, सबके लिए। ओल्ड एंड यंग, बुढ़ा हो या बच्चा हो, सबका स्वास्थ्य के लिए। उर्बन और रूरल, एकदम गांव का है या बहुत जंगल का है, देहात का है या जंगल का है, कहीं का भी हो या शहर का हो या गांव का हो। सिटीजन एंड रिफ्यूजी, वो अगर नागरिक हो या रिफ्यूजी, जिसका कोई कंट्री में घर है नहीं, इधर उधर से घूमते रहता है, सब लोकली भी है। एवरीवन एंड एवरीवेयर, हर के लिए हर जगह में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर वक्त काम करता रहता है। अब जैसे महामारी आया कोविड 19 में, ये दुनिया भर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, जो मेडिसिन, जो वैक्सीन WHO अप्रूव कर रहा है, वही वैक्सीन आपको मिल रहा है, हमको मिल रहा है। जो बूस्टर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उनका डॉक्टर लोग सर्टिफाई कर रहा है, यानी कि सर्टिफाई करके बोल रहा है जो ये चलेगा, तभी अब हमको मिल रहा है हम लोग का कंट्री से। ये विश्व स्वास्थ्य संस्था सबका हेल्थ का ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहा है, इतना ध्यान दे रहा है कि हर देश में महामारी में जितना मरना चाहिए उससे काफ़ी आदमी कम मर रहा है। वो अगर नहीं रहते तो इतना ध्यान हम लोग के ऊपर कोई नहीं देते, इसलिए सबको ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का ये संस्था है, विश्व स्वास्थ्य संस्थान जो है, संगठन जो है, एक संयुक्त राष्ट्र का जो डिपार्टमेंट है उसका बारे आज बोले तो आप लोगों को बताएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का और जो संगठन है उसका बारे भी बताएंगे।